लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं भी जाने माने वकील, हाई कोर्ट के जाने माने वकील हैं रोहित सर, हम इनसे बात करेंगे जमीन सर्वे को लेकर के, कि कई सारे सवाल भी उठने लगते हैं। और जमीन सर्वे सरकार जो है कई सारे ऐसे काम करते हैं, ऐसे एक नियम बनाते हैं को इनडायरेक्ट रूप से किसी और का कब्जा होने लगता है। हम सीधा सीधी बात करते हैं कि सर, जो अभी सर्वे चल रहा है और हमारी आपसे बातचीत हुई थी, ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो ये सर्वे के माध्यम से कॉरपोरेट जगत को फ़ायदा होने वाला है। ये कॉरपोरेट जगत को कैसे फ़ायदा होने वाला है? हाँ, इसको कॉरपोरेट जगत को जो है सो फ़ायदा होने का ऐसे है कि हम लोग पहले इतिहास में थोड़ा सा चले जाते हैं। जी। तो इतिहास में जब हम लोग जाते हैं, हम लोग कैडस्ट्रल सर्वे पर में जो है सो चर्चा कर चुके हैं, सर्वे के कैसे सर्वे कराना था, ये अंग्रेज के ज़माना में जैसे सर्वे का था, वो सब डिटेल्स हम आपको दे चुके हैं। अभी वर्तमान में क्या है कि ये जो सर्वे है, अभी हमारे पास में एक आया कि 16 मौजा बेलदौर पर, बेलदौर है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ 16 मौजा का जो है सो किसान का जमीन बिहार सरकार हो गया। अच्छा। तो जब हम इसका गहन जो है सो जानकारी जो है सो लेने के लिए कोशिश किया और सब तरह से जो है सो हम पेपर सब कलेक्ट करना शुरू किए, तो हम एक तह में गए। तो तह में गए तो हमारा जो है सो इतिहास जो बताए वो इतिहास में हम लोग चल जाए। 4 जुलाई 1938 को कांग्रेस और जमींदारों के बीच में एक समझौता हुआ था। अच्छा। वो समझौता क्या था? उसमें 4 बिंदु था। उस समझौता में 4 बिंदु था कि उस समय के सिविल कोर्ट जो जमीन का कुर्की आदेश होने पर में इसे राजस्व अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अगर रैयत ने 1937 का अधिनियम लागू होने के बाद लगातार 4 वर्षों तक लगान का भुगतान नहीं किया गया तो जमींदार बकाए लगान के लिए मुकदमे दायर कर सकता है। अगर रैयत अंतिम मुकदमा दायर होने के बाद भी लगान नहीं चुकता है तो उस अवधि के लगान के बकाए की उगाही के लिए जमींदार केस दायर कर सकता है। 2 हो गया। तीसरा इनका था कि अगर साझेदार जमींदारों को बिहार रैयती कानून, बिहार टेनेंसी एक्ट के अधीन किसी मुकदमे या कार्यवाही में एक पक्ष बनाने के लिए यह प्रावधान कारगर हो तब नए प्रावधान की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि साझेदार जमींदार बीटी एक्ट 121 की के अधीन अन्य साझेदार जमींदारों के पक्ष बनाकर कार्रवाई कर सके। 4th इसमें था कि सरकार लगान में की गई कमी के अनुपात में जमींदार द्वारा दिए गए शेष में कटौती करने के फौरन एक विधेयक पेश करेगी ताकि लगान में जितनी राशि घटाई जाएगी या माफ़ की जाएगी उतनी शेष की राशि अस्थायी रूप से घटाई जा सके। बिहार रैयती कानून, बिहार टेनेंसी एक्ट के 55 में ऐसा संशोधन किया जाएगा जिससे जमींदार को बकाया लगान की पूरी वसूली का अधिकार मिलेगा। ये था आपका 4 जुलाई 1938 में कांग्रेस और जमींदारों के बीच एक समझौता हुआ, इस तरह के समझौता। अब आ जाइए हम लोग जो है सो अभी वर्तमान परिवेश में, वर्तमान परिवेश में जो ये सर्वे हो रहा है, विशेष सर्वे, इस विशेष सर्वे में तो कैडस्ट्रल सर्वे का हम चर्चा कर चुके हैं, चर्चा में लाए हैं कैडस्ट्रल सर्वे और बहुत सारे दस्तावेज को जो है सो हम कह रहे हैं सरकार को, बार बार सरकार से अपील, नम्र निवेदन कर रहे हैं कि सरकार सारे कागजात को इंटरनेट पर में उपलब्ध कराए, परंतु इस सब पर में कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से सारा जमीन जो है सो अलौली, चौथम, मानसी, गोगारी, बेलदौर और पर्वत्ता, ये सब में गोगरी, तो इस सब में क्या है कि ये सब में जो है सो 60-70% किसान का जमीन बिहार सरकार हो चुका है। एक मिनट फिर से बोलिए, ये जितना है अलौली, चौथम, मानसी, गोगरी, बेलदौर और पर्वत्ता, ये सब जो है सो खगड़िया जिला के अंतर्गत आता है। कितना जमीन होगा ये? ये लगभग जो है सो वहाँ पर मैं हमारे समझ से जो है सो 1400 हेक्टेयर जमीन जो है सो उसका होगा, किसान का। और ये जमीन सरकार का? ये सारा जमीन बिहार सरकार का जो है सो हो चुका है, उसमें जो भी वो जो अधिकार पत्र बनाया गया है उसमें बिहार सरकार का नाम आ गया है। हाँ, अब इनका कहना है कि 3 तरह का ये लोग जमीन को जो है बिहार सरकार बोलते हैं कि हर हाल में हो जाएगा। सबसे पहले ये लोग कहते हैं कि
जो भी कैडेस्टल सर्वे खतियान में गैर मजरुआ मालिक खास लिखा हुआ है वो बिहार सरकार का हो गया, गैर मजरुआ आम जो लिखा हुआ है वो भी बिहार सरकार हो गया, बकास्त भूमि जितना है वो भी बिहार सरकार हो गया। अब हमको ये बताइए कि जो अंग्रेज के राज में, अंग्रेज देश आज़ाद होने के पहले जिसमें लगान नहीं दिया जाता था, वो सब तो जमींदार के पास था, वो जमींदारी प्रथा का नाम बदल के जो है बिहार सरकार हो गया, वो सारा ज़मीन तो बिहार सरकार का हो गया, तो किसान उसमें जो जोत रहे हैं, घर बना के रह रहे हैं, वो सब ज़मीन का जो है सो किसी किसी के पास में ऐसा भी है कि 2014 तक जो है सो उसका जमाबंदी बना हुआ है, रेंट पे किए हुए हैं, मालगुजारी दिए हुए हैं, और सरकार 2014 में एक लेटर निकाल के बोल रही है कि नहीं, बकास्त भूमि जो भी होगी बिहार सरकार का होगा, जो भी गैर मजरुआ खास होगा वो बिहार सरकार का होगा, जो भी गैर मजरुआ आम होगा वो बिहार सरकार का होगा, अनाबाद बिहार सरकार बोलते हैं हो जाएगा। तो ये सब कार्रवाई तो रेवेन्यू सर्वे में, रिविजनल सर्वे में आप कर चुके हैं, तो रिविजनल सर्वे को अभी तक वैलिड दस्तावेज हो या वो अनवैलिड दस्तावेज है या उसको जो है सो एवियंस बनाया गया, अभी तक इस पर में कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। अब देखिए, अब आ जाइए हम लोग जो है सो पाटलिपुत्रा सीमेंट जो एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल हम देखिए, हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए हैं कि क्या ये सर्वे कॉरपोरेट जगत, सर्वे जो है, सर्वे का ज़मीन कॉरपोरेट जगत को बेचने की तैयारी है, उस टॉपिक पर आते हैं। आप इसको कैसे पुष्टि कर रहे हैं वकील साहब, उस पुष्टि को आपने एग्जाम्पल भी देख लिया, एग्जाम्पल दे रहे हैं इसका, कोई जो है, इसको ही माना जाएगा कि ये जो है सो ये खबर जो हम जो बता रहे हैं इसका हम जो है सो पुष्टि नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं, मेरे पास जो दस्तावेज है उस दस्तावेज के हिसाब से हम बता रहे हैं। अब आ जाइए पाटलिपुत्रा सीमेंट प्लांट के बारे में, ये है फतुहा और कराई परसुलाई अंचल, फतुहा पटना और कराई परसुलाई नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, शाहजहाँपुर जो है सो स्टेशन है और शाहजहाँपुर के बगल में जो है सो अल्ट्राटेक का जो है सो पाटलिपुत्रा सीमेंट प्लांट बना हुआ है। इसमें पहले जो है 125 एकड़ ज़मीन दिया गया, 125 के बाद में फिर उनको 100 एकड़ ज़मीन एक्सपेंशन प्लान दिया गया। अब हमको ये बताइए कि वो 125 एकड़ ज़मीन में कहीं नहीं था बिहार सरकार का ज़मीन, किसान का ज़मीन को आप जब भी ले रहे हैं तो कह रहे हैं कि नहीं, हम जब भी भू अर्जन करेंगे तो भू अर्जन में जो सर्किल रेट है उसका हम 1.25 गुना देंगे, कहीं पर में 1.5 गुना देंगे, कहीं कहीं 1.75 है और कहीं कहीं 2.00% है सर्किल रेट का। और सर्किल रेट ये भू अर्जन जितना भी हो रहा है वो भू अर्जन हो रहा है रिविजनल सर्वे खतियान के आधार पर। रिविजनल सर्वे में उस ज़मीन का वास्तविकता जो है सो वो ज़मीन हो चुका है, अगर वह रेसिडेंशियल है, लेकिन वो पेपर में 1970 और 72 में जो है वो था असिंचित भूमि। अच्छा, तो मतलब बात कर रहा है, हाँ असिंचित भूमि, उस असिंचित भूमि का जो है सो सर्किल रेट अगर 50,000 रुपये डिसमिल आता है तो मुआवजा मिलेगा 50 का 1.25 गुना। तो इस तरह से तो सरकार जो वास्तविकता जहाँ भी भू अर्जन हुआ है अभी वर्तमान में, आप सब जगह भू अर्जन में जो है सो डिस्प्यूट क्रिएटेड है, डिस्प्यूट क्रिएटेड है मतलब जब भी ज़मीन हम लेंगे, किसान का ज़मीन लेंगे तो किसान के ज़मीन में हम जब देंगे मुआवजा देंगे तो सर्किल रेट का 1.25 गुना देंगे, मतलब ये हुआ कि जो बाज़ार का मूल अगर उसका 25 लाख रुपये इकट्ठा है तो उसको सीधा ये लोग 1.25 लाख रुपये इकट्ठा दे रहे हैं अभी भू अर्जन किसान के ज़मीन को, किसान के ज़मीन को। और कर क्या रहे हैं कि अगर बेलदौर में अगर हम चल जाएं तो वहाँ पर मैं क्या, मान लीजिए अगर जो है वहाँ कोई प्लांट लगाना है कॉरपोरेट का, तो वहाँ 50 एकड़ ज़मीन जो है सो खोज रहे हैं तो 20 एकड़ मिल जाएगा बिहार सरकार का ज़मीन, और उसके अगल बगल का जो ज़मीन है उसको भू अर्जन कर लेंगे और बोलेंगे कि नहीं, किसान का जो है सो सर्किल रेट हो गया, 1.25 गुना हमको देना है, 70,000 रुपये डिसमिल मिल रहा है, आपको जो है 1.25 गुना हम दे रहे हैं, पंजाब आप ले लीजिए जो है सो 90-92 हज़ार रुपये डिसमिल ले लीजिए और मुआवजा दे दीजिए, अगर आपको यह ज़मीन नहीं देना है तो आप इसमें आपत्ति दर्ज करें और मुकदमा लड़िए। तो किसान का ज़मीन ले लिए और कम पैसा में ले लिए और ले के कॉरपोरेट को दे दिए। अभी एक अनाउंसमेंट हुआ है अंबुजा सीमेंट के लिए 3 अगस्त 2024 को वालश्रीगंज नवादा में जो है सो ये प्लांट खुलना है, ठीक है, इसमें जो है सो जो अंदाज़ा है उसमें 250 एकड़ ज़मीन जो है सो देना है उनको, 250 बिहार सरकार को देना है। अब उसमें भी वही चीज़ है,
जितना जमीन अगर वास्तविकता अगर हम आ जाएं तो जितना भी गर्मजरुआ खास गर्मजरुआ मालिक बकास्त भूमि कह के सारा किसान का जमीन ले लिए और जमीन लेने के बाद में सबका बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आप जो है सो आपका रेंट नहीं दे रहे हैं इसलिए बिहार सरकार हो गया और उस जमीन को जो है भू अर्जन में ले आएंगे और उसको 0 रुपया जो है सो किसान को दे दिया जाएगा। 40 वर्ष से 60 वर्ष से 70 वर्ष से सब घर बना के जोत रहा है घर बना के रह रहा है और उस सारे जमीन को जो है सो ये लोग जो है इस तरह से जो है व्यवस्था में लाए हुए हैं कि कॉरपोरेट को सीधा दे देंगे और कॉरपोरेट जो है सो आके यहाँ पर काम करना शुरू कर देगा। मतलब किसान का जमीन को छीनने का जो है सो पूरा तैयारी किया हुआ है। हम जो 1938 का जिक्र किए हैं अगर वो व्यवस्था यहाँ पर एक रोकेंगे आपको याद रखिएगा हाँ। अब ये बताइए कि सरकार इस बात को दुहाई दे दे कि फिर डेवलपमेंट कैसे होगा। हम मान लें कि कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी आएगी तो यहाँ पर रोजगार मिलेगा लोगों को यहाँ के लोग पलायन नहीं करेंगे तो ये तथ्य अगर सरकार देती कि जमीन तो देना ही पड़ेगा तो इसका ऑप्शन आप क्या देते कि या तो सरकार अपनी अपना जमीन देगी किसान का जमीन है। देखिए डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है तो डेवलपमेंट के लिए जो है सो मनुष्य के डेवलपमेंट आम जनता का जो डेवलपमेंट है उसको उजाड़ के डेवलपमेंट आप नहीं कर सकते हैं। आप उसका घर आसियाना जमीन जोतने वाला चीज़ है उसको उजाड़ के तो नहीं कर सकते हैं। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में जो है भू अर्जन के नाम पर में ये भारतमाला प्रोजेक्ट आमस दरभंगा के नाम पर में जो है कितने पेड़ों को काट दिया गया उसका गिनती नहीं है। हमारा जो अंदाज़ा है 5 लाख से ज़्यादा पेड़ को काट दिया गया तो डेवलपमेंट ये डेवलपमेंट नहीं होता है। एक तरफ पेड़ लगाने की बात होती है उसमें कई केस अभी सरकार के पास पेंडिंग है। सरकार उसको जो है सो सुनने की व्यवस्था में नहीं है। कहीं पर में डेट पड़ रहा है कहीं पर में कुछ नहीं तो इसमें ये जो सर्वेक्षण हो रहा है इस सर्वेक्षण में जब तक दस्तावेज आप क्लियर नहीं करेंगे तो किस तरह से जो है सो सर्वेक्षण होगा। ये स्पेशल सर्वेक्षण करके आप ये जो है भू सर्वे करा के भूमि का सर्वे करा के आप सिर्फ जनता को सिर्फ और सिर्फ जो है सो उसका जमीन छीनने का तैयारी है। मेरा अध्ययन यही कहता है। हो सकता है कि मेरा अध्ययन गलत हो लेकिन वास्तविकता यही है कि कैडेस्टल सर्वे खतियान 1908 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो भी रजिस्ट्रेशन हुआ वो दस्तावेज उसके बाद में बकास्त भूमि की सूची गर्मजरुआ आम भूमि की सूची गर्मजरुआ खास भूमि की सूची सैरातों की सूची वाटर बॉडीज की सूची जो भूमि भू अर्जन किया गया है सड़क के नाम पर में उसकी सूची और अन्य कार्य के लिए जो भू अर्जन किया गया रेफ्टल एक्ट के तहत वो सारा सूची सरकार अभी तक जो है सार्वजनिक नहीं किया है। जिसके पास कागज़ नहीं है अभी जो है सरकार के तरफ से स्टेटमेंट आया है हम भी मीडिया में देखे हैं उसमें आया है कि नहीं पदाधिकारी कह रहे हैं कि आपके पास में कागज़ नहीं भी है तब भी आप फॉर्म भर के दे दीजिए। हमको ये बताइए कि सरकार के पास में जब कागज़ है तो सरकार के पास में सारा कागजात सरकार रखे हुए हैं। ज़मींदार के पास पहले था तो ज़मींदार तो बिहार सरकार हो गया तो सारा कागजात बिहार सरकार के पास है तब तो बिहार सरकार के पदाधिकारी दुनिया भर के गलती कर रहे हैं। अभी जो है सो आप कह रहे हैं किसान को कि बिना कागज़ बिना आप कोई पेपर लगाए हुए सिर्फ फॉर्म भर के जमा कर दीजिए और उसके बाद हम देखेंगे। वास्तविकता ग्राउंड लेवल पर अगर जाके देखिएगा तो जाके देख के आइए खगड़िया डिस्ट्रिक्ट को देख के आइए आप अरवल डिस्ट्रिक्ट को जिसके पास में जो है सो जमीन है और ज़मीन का जो है सो इतना केसों का भरमार करते जा रहे हैं कि कहना मुश्किल है। एक एक DCLR जो है सो आप भूमि ये केस के नाम पर में जमाबंदी के नाम पर में रैयतीकरण के नाम पर में ये इस सब में जो है सो वहाँ पर में सारा का सारा जो व्यवस्था खुला हुआ है एकदम बिचौलिया का जो है सो व्यवस्था खोल और सारा अनियमितता है। अभी जो मुकदमा भी हमारे द्वारा जो किया गया है उसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल था बहादुरपुर अंचल का उसमें जो है सो गलती करने के बाद में भी जो है सो मुकदमा लड़ने के लिए सरकार तैयार है रेक्टिफाई नहीं कर रही है रेक्टिफिकेशन नहीं होगा लेकिन मुकदमा लड़ने के लिए सरकार तैयार है। तो हमारा कहना ये है कि ये जो जितना भी अभी भू सर्वेक्षण हो रहा है और भू सर्वेक्षण अगर इस तरह से जिस स्पीड से हो रहा है इसमें 75% भूमि बिहार सरकार का हो जाएगा और 75% उत्तरी बिहार तो 75% मान ही लीजिए कि 75% बिहार राज्य का बिहार सरकार उसका ज़मीन का हो जाएगा उसके रैयत का नाम बिहार सरकार लिखा हुआ रहेगा मालिक बिहार सरकार हो जाएंगे उसके बाद उसको वो सीधा कॉरपोरेट के हाथ पे हैंड ओवर कर देंगे।
चलिए बीच में चले हम लोग इंडिंग कर लेते हैं 1978 की बात, 4 जुलाई 1938 का जो समझौता था उसी तरह का ना अभी क्या कर रहे हैं कि अंग्रेज के राज में जिस तरह से भूमि का सर्वेक्षण हुआ, कैडेस्टल सर्वे, तो अभी जो सर्वेक्षण हो रहा है क्या हो रहा है, कागज आप दे नहीं रहे हैं आ सर्वेक्षण कराने के लिए डेट पर डेट निकाल रहे हैं, दस्तावेज अगर निकालना है तो दस्तावेज निकालने के लिए आप चले जाइए रजिस्ट्री ऑफिस में, किसी भी रजिस्ट्री ऑफिस में चले जाइए, वहाँ पर मैं आपको गेट पे ही आपको जो है सो दलाल मिल जाएंगे और वो कहेंगे कि एक दस्तावेज निकालने का 800 रुपया लगेगा, 2000 रुपया लगेगा, सर्चिंग चार्ज दीजिए। क्या सर्चिंग चार्ज दीजिए, सरकार के पास में इतना व्यवस्था नहीं है कि सर्चिंग चार्ज हम दे, आप इंटरनेट पर मैं उपलब्ध करा दीजिए। 1908 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो भी दस्तावेज रजिस्टर्ड हुआ सबको अगर आप सार्वजनिक कर दें, इंटरनेट पर इजली अवेलेबल करा दिया जाए, तो क्या अभी जो है सो सर्वे संभव नहीं है, सही सही सर्वे हो जाएगा, परंतु सही सही सर्वे करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार इसको जो है सीधा समझ रही है कि हाँ जो ज़मीन का कागज़ दिया ठीक है, नहीं दिया वो बिहार सरकार हुआ, उसके बाद में मुकदमा जो है सो शुरू कीजिए, CO कार्यालय से लेके हाईकोर्ट तक का लड़ते रहिए। चलिए आपने सुना, इन्होंने साफ साफ कहा कि 75% ये सर्वे के बाद 75% ज़मीन जो है बिहार सरकार का हो जाएगा और बिहार सरकार के होने के बाद वो कॉरपोरेट जगत को वो ज़मीन औने पौने दाम के भाव से बेचा जाएगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मैंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।